तेरी बहुत जबान चलती है, आज देखूंगा तेरी हिमायत लेने कौन आता है। कंगाल घर के तेरे बाप ने तो कुछ दिया नहीं और बांध दी मेरे पल्ले, आज तो मैं तुझे 3 तलाक देकर ही रहूंगा और दूसरी बीवी लाऊंगा। अल्लाह के लिए हमें मत निकालिए, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी, मेरा इस घर के अलावा कोई और ठिकाना भी तो नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, तू निकल यहाँ से। मैं तो केवल यहाँ सब गांव वालों के इकट्ठा होने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि सबके सामने तुझे। आप ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। आपको पता भी है 3 तलाक गैर कानूनी हो गया है, इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। तुम होती कौन हो हमारे घर के मामले में बोलने वाली? तुम नहीं जानती ये हमारी बिरादरी का मामला है। ना तो ये आपके घर का मामला है और ना ही ये आपकी बिरादरी का मामला है, ये मामला है एक औरत के हक का और उसके साथ हो रही नाइंसाफी का। यू हमारी बिरादरी का मामला और तुम इसमें दखल ना दो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। वैसे ही यू सरकार हम पे बहुत दबाव बना रही है और यू 3 तलाक का नया कानून ला के हमारी शरीयत में भी दखल दी जा रही है। ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि 3 तलाक इस्लाम से जुड़ा हुआ नहीं है और दुनिया के कई देशों में 3 तलाक को गैर कानूनी भी बताया गया है, और वहाँ पर अगर कोई किसी को तलाक देता है ना तो उसके खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसीलिए आप लोग इन लोगों को भड़काना बंद कीजिए, क्योंकि ये एक औरत के अधिकार का मामला है। ये आप गलत कर रही हैं। आप हमारे मामलों से दूर ही रहो। मैं तो आपके मामलों से दूर ही हूँ, लेकिन अगर किसी औरत के साथ नाइंसाफी होगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। और आप आयशा भाभी को बिल्कुल भी तलाक नहीं दे सकते। अगर आपने ऐसा किया ना तो मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी, क्योंकि महिला अधिकार संरक्षण 2019 के मुताबिक एक औरत को एक समय में 3 तलाक देना कानूनी अपराध है, और तलाक देने वाले पति को पुलिस बिना वारंट भी अरेस्ट कर सकती है। अजमल साहब ये क्या कह रही है? आप अजमल साहब से बात मत कीजिए, आप मुझसे बात कीजिए। ये आपको कानून नहीं बताएंगे, कानून आपको मैं बताऊंगी। अध्यादेश 2019 की धारा 3 और 4 सहित IPS 498A, 307, 323 और 504 में आपके खिलाफ केस भी दर्ज हो सकता है, और हाँ कम से कम आपको 3 साल की सजा भी हो सकती है। यह तो बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल सही बात, अगर आप ऐसा करेंगे तो शायद आयशा भाभी आपके खिलाफ केस दर्ज ना करें, लेकिन मैं जरूर करूँगी। चलो आयशा अंदर चलो, अब मैं तुम्हें 3 तलाक नहीं दूंगा। मैं तो केवल दूसरी बीवी लाने के लिए तुम्हें तलाक दे रहा था, क्योंकि 2 बीवियों का खर्चा मैं एक साथ नहीं उठा सकता। किरण भाभी ने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं तुम्हें 3 तलाक नहीं दूंगा। चलो अंदर चलो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया किरण दीदी, अगर आप नहीं होती तो मैं आज दर दर की ठोकरें खा रही होती। आयशा भाभी अगर इसके बाद भी रहमान भाई ने आपको कोई तकलीफ दी ना तो आप बेझिझक मेरे पास आ जाना। अब आप इनके घर के मामले में भी दखल दोगे? अरे छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो घर में होती ही रहे, अब आप मुसलमान को इस्लाम के तरीके से जीने सिखाओगे क्या? आप तो छुप ही रहिए, जब ये मुझे घर से निकाल रहे थे तो आप इनका साथ दे रहे थे। किरण भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रहमान भाई मैं आशा करती हूँ कि आप आयशा भाभी को अब कभी तकलीफ नहीं देंगे। किरण भाभी कोई भी तकलीफ होगी तो मैं खड़ा हूँ, और ऐसी बात हुई तो खुद मैं जाकर तुम्हें खबर दूंगा। अच्छा जी मैं चलती हूँ, आयशा अपना ध्यान रख। ठीक है दीदी। बहुत ज्यादा देर कर दी आप लोगों ने, अब ये यहाँ पर नहीं हो पाएगा। कैसी बात कर रहे हो साहब, बड़ी मुश्किल में तो कागज बने हैं, इन्हें पास कर दो साहब। कागजों का तो बहुत बुरा हाल है, चारों तरफ से कटे फटे हैं। साहब ये मुझसे ना काट दिए, घर में कहीं भी चीज धर लो वहीं चले जाए मुझसे। अरे चुप हो जा, ज्यादा जबान ना चलावे, कागज तो तेरे पे ढंग से रखे ना जाते। आप बताओ साहब क्या करना है? भाई जहाँ पर लड़के का नाम लिखा है और जानकारियाँ सारी जो भी होती हैं वहाँ से चूहों ने काट दिया है, इसलिए कागजों की चेकिंग कराना बहुत जरूरी है। जो तारीख हमें मिली थी वो निकल चुकी है, ये अब काम हमारे लेवल का नहीं रहा। अब कैसे होगा हुजूर ये? इसके लिए आपको विदेशी न्यायालय जाना होगा, अब ये काम वहीं पर होगा। 15 दिन से परेशान है जी, काम काज कुछ नहीं कर रहे, ब्याह टूट गया वो अलग है। भाई मैं इस ब्याह में कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको फॉरन ट्रिब्यूनल जाना होगा। यू ट्यूबवेल कहाँ है जी? भाई मैं ट्यूबवेल नहीं बोल रहा हूँ, फॉरन ट्रिब्यूनल बोल रहा हूँ। फॉरन ट्रिब्यूनल का मतलब है विदेशी न्यायालय। ये कहाँ है हुजूर, कहाँ जाना? उसका पता लिखकर मैं आपको देता हूँ। जी ठीक है हुजूर, दे दो। शुक्रिया हुजूर, आदाब। ये वाला पेड़ तो कटा पड़ा, इस वाले काटो। चल भाई इसे काटते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं ये? देखना रहा पेड़ काट रहे हैं जी, हमें खाना बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत है और यहाँ सफाई भी हो जाएगी।
जब सरकार आप लोगों को खाना बनाने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में गैस के कनेक्शन दे रही है, गैस की सुविधा दे रही है, फिर आप इन पेड़ों को क्यों काट रहे हैं? और पेड़ काटने से कभी भी सफाई नहीं होती। अगर ये पेड़ ही नहीं रहेंगे तो आपको स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी कभी भी नहीं मिल पाएगा। जी हमारे तो कागज जमा हो रखे हैं गैस के, पर अभी तक हमारा नंबर ही नहीं आया। जी यहाँ पे तो बहुत सारे पेड़ खड़े, एक दो पेड़ कट जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? शायद आप लोगों को पता नहीं है, हम सब पर्यावरण की समस्या से गुजर रहे हैं। दिन ब दिन धरती पे तापमान बढ़ता ही जा रहा है। अगर ऐसे ही हालात रहे ना तो एक दिन इस धरती पर जीवन का संकट आ जाएगा, और इसका मुख्य कारण है पेड़ों की संख्या का कम होना। इसीलिए हम लोगों को पेड़ों को लगाना चाहिए, उन्हें काटना नहीं चाहिए। अगर पेड़ कटते हैं ना तो कभी गर्मी ज्यादा पड़ती है तो कभी सर्दी ज्यादा पड़ती है। अब तो जी ठंड भी बहुत पड़ रही है, अब तो सारे रिकॉर्ड टूट गए ठंड के। इस बार बर्फ भी खूब ज्यादा पड़ रही है। इसका मुख्य कारण है पेड़ों का कटना, इनकी संख्या का कम होना। अब गर्मियों में गर्मी बहुत पड़ती है, सर्दियों के मौसम में सर्दी बहुत पड़ती है, बरसात में इतनी बारिश होती है कि कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है, और कभी कभी कम बारिश होती है, और कभी कभी सूखा भी पड़ जाता है। धरती का औसत तापमान बढ़ता ही जा रहा है, और अगर हमें इससे बचना है ना तो हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी पड़ेगी। हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे, ना कि पेड़ काटने पड़ेंगे। जी औसत तापमान क्या हुआ है? औसत तापमान का मतलब होता है इस धरती पे जितने भी देश हैं, हर साल उन सबका एक साल का तापमान निकाला जाता है, फिर उस एक साल के तापमान में से एक दिन का तापमान निकाला जाता है, उसे औसत तापमान कहते हैं, और ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जी हमें इस बात का पता नहीं था, अब से हम पेड़ निकालेंगे और नए नए पेड़ और लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है, तभी हम अपनी धरती को बचा सकते हैं और आने वाले समय में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। किरण भाभी राम राम। अरे शब्बीर भाई राम राम। चाचा जी आपको भी सलाम। वालेकुम सलाम बिटिया, ठीक यहाँ कैसे? अरे बस यहाँ से निकल रही थी, कुछ लोग पेड़ काट रहे थे तो बस उन्हें रोकने के लिए चली गई। शब्बीर भाई आपके कागज जमा हो गए? कागज जमा ना हुए या सरकार तुम्हारे पीछे पड़ गई? ऐसे कैसे, क्या बात हो गई कि कागज जमा नहीं हुए? बेटी गए थे कलेक्टर के यहाँ भी, वहाँ उन्होंने कागज देखे, वो कहने लगे यहाँ तो नाम कट रहा, कहीं जन्म तिथि कट रही, कहीं चूहे ने काट दिया। अब कहा विदेशी ट्रिब्यूनल चले जाओ, अब विदेशी न्यायालय जाएंगे। हमें तो यूं ही भाग दौड़ करनी सारी की सारी। मुझे तो लग रहा है यार सरकार हमारे पीछे पड़ गई, काम ना करे। शब्बीर भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, आपका काम हो जाएगा। आप एक बार विदेशी न्यायालय जाइए तो सही, और अगर आपने वो कागजात संभाल के रखे होते और टाइम आने पर आप जमा कर देते ना तो ये सब नहीं होता। हम अपनी गलतियों के लिए सरकार को दोष नहीं दे सकते। ठीक कह रही है बेटी तू, तू नालायक अगर अपने कागजों को संभाल के रखता तो आज ये दिन देखने तो ना पड़ते। जरीना बेगम को कितनी बार कहा घर में चूहे हो रहे, मुझसे हो रहे, मुझसे मारने की दवा डाल दे, कमबख्त पे वो भी ना डाली गई। तुम तो नहीं कहे जाओ, सरकार को क्या जरूरत थी, ठीक तो रह रहे, सब काम हिले छोड़कर इस काम में लगे रहो। शब्बीर भाई अगर आपके घर में कोई गैर आदमी आ जाए और आपसे ये बोले कि मुझे कुछ दिन आपके घर में रहना है, और आप उसको बोले कि ठीक है, लेकिन फिर वो आपके घर में रहे और वहीं अपना काम धंधा शुरू कर दे, और उसके बाद जब आप उसको जाने के लिए बोले वो ना जाए और आपके घर में अपना अधिकार जमाने लगे तो आप क्या करेंगे? ऐसे कैसे रह जाएगा, साले की टांग तोड़ दूंगा। तो सरकार भी तो यही कर रही है, जो भारत में घुसपैठ करके घुस गए हैं, या 1971 के बाद जो लोग बाहर से आके हमारे भारत देश में शरण ले रहे हैं, सरकार उनकी पहचान कर रही है ताकि सरकार उनको वापस भेज सके, और हमारे जो संसाधन है, नौकरी है, जमीन है, उन पर भारत में रहने वालों का ही हक रहे और किसी का नहीं। ये बात तो ठीक है बहू, पर इस चक्कर में हमें क्यों परेशान किया जाने लग रहा है? हम भी तो इसी मुल्क के वासिंदे हैं, खुदा कसम घर में रोटी भी ना बन रही है अब समय पे। चाचा जी ये सब पहचान के लिए तो किया जा रहा है, अब थोड़ी बहुत परेशानी तो सबको उठानी ही पड़ेगी। अब देखिए वो लोग बरसों से यहाँ पे रह रहे हैं, उनकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि कई लोगों ने रिश्वत दे करके नकली आधार कार्ड, पहचान पत्र और राशन कार्ड बनवा लिया। तो आप ही बताइए सरकार इतनी आसानी से उनकी पहचान कैसे करेगी? इसीलिए सरकार को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। कौन है ये साले, साले की टांग तोड़ देंगे। शब्बीर भाई आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बस सरकार का साथ दीजिए। बहू हमने कभी तेरी बात टाली है क्या? सारा गांव तेरे पीछे है, जैसा तू कहेगी हम तो वैसा ही कर लेंगे। चाचा जी जैसा मैं नहीं, जैसा सरकार कह रही है आप वैसा कीजिए। चलिए अब चलते हैं, आपको विदेशी न्यायालय जाने की तैयारी भी करनी। चल भाई सबीर बेटा। ए बहू इतना टाइम कहाँ लगा दिया? माँ जी वो रस्ते में शब्बीर भाई और उनके अब्बा मिल गए थे तो वो कुछ बात करने लगे। अरे उनका काम हो भी गया या वैसे धक्के खा रहे हैं? ना पिताजी उनका काम ना हो पाया, दरअसल उनकी लास्ट डेट निकल चुकी है।
अब तो उन्हें विदेशी न्यायालय जाना पड़ेगा, तभी उनका काम हो पाएगा। अरे यूँ तो इनकी गैल फजीता ही हो गया, एक तो भयान ही हो रहा और इस चक्कर में परेशान हो फिर रहे। अरे ना हो रहा तो रहन दो, देश की जनसंख्या वैसे ही बढ़ रही है, दो चार का ना भी होगा तो कौन सा पार टूट रहा है। पहले हमारे देखिए चार भैया हो गए है तो एक दो कुआरा रह ही जा भैया। पर यू तो अकेला ही है, इनके के होगा, इनके तो मुश्किल हो जाएगी। तुम छोटो ये बात, ए बहू तू मेरी बात सुन, सतवा के वहां से गीतों का बुलाया आया और चलना हुआ गीतों में, तेरी वजह से उनका रिश्ता हुआ, अन्य तो टूटना गया था उनका रिश्ता, बड़ा एहसान समझ रहे है तेरा। ठीक है माँ जी चलेंगे। बहू यू काम तो बहुत ही बढ़िया करा, सतवा मिला मुझे बहुत खुश हुआ। यू कह रहा कि देखियो किरण बहू का लड़का होगा और तुम्हारी गोद में पोता खेलेगा। ये तो तुमने मेरे बड़े मन की बात कह दी, मैं तो कब सांस लगाए बैठी हूँ पोता खिलाऊं। अरे पता है क्या कर दिया आज नवाबजादे ने? क्या कर दिया इसने? क्या कर दिया? खलील के हार्ड गोड़ तोड़ दिए, बहुत बुरी तरह मारा है उसे, जर्रे के यहाँ पड़ा है वो। ये क्यों मारेगा और उसे? यो तो इसी से पूछ ले। अरे नवाब जादे उठ जा। अरे खलील को क्यों तोड़िया है तू? मैं क्यों तोड़ता, झोटे ने टक्कर मारी उसके। हाँ तेरे से बड़ा झोटा है और कोई गांव में? अरे नमाज तेरे पे ना पढ़ी जाती है, रोजे तेरे पे ना रखे जाते हैं, फजर की नमाज तेरे पे पढ़ी ना जाती, सूरत देख कहाँ जान लग रहा है। नमाज पढ़ गई सोया मैं। हाँ तैने तो बहुत मसले घिस रखे, आज वह विदेशी ट्रिब्यूनल भी है, वहाँ की अदालत है, उसमें तुझे हमें भी जाना है। आ खड़ा हो और चल मेरे साथ। अरे देख ले नवाब जादे को। हाँ भाई विदेशी ट्रिब्यूनल कौन सी? यू ही है जी। आदाब हुजूर। आइए बैठिए। हुजूर ये मेरा लड़का है शब्बीर। हुजूर एनआरसी लिस्ट में इसका नाम नहीं आया, पूरे परिवार का आ चुका, हमारी तो जूतियां घिस गई इस एनआरसी के चक्कर में। हुजूर जिला कार्यालय में जाकर ठीक नहीं कराया था आपने? हुजूर गए थे वहाँ भी, उन्होंने कहा कि कुछ कागज और चाहिए, उन कागज को बनवाने के लिए स्कूल में गए, वहाँ टाइम लग गया, तब तक इनका टाइम निकल गया हुजूर, अब उन्होंने यही कहा विदेशी ट्रिब्यूनल चले जाओ हुजूर। अब हो गए आपके कागज तैयार? हुजूर इंशाल्लाह, देखिए आप नजर मार लीजिए हुजूर, हमने तो अपना पूरा प्रयास कर लिया हुजूर। ठीक है मैं आपकी फाइल बना देता हूँ, ये आपके कागज चेक किए जाएंगे, आप 11 नवंबर को आ जाना। हुजूर शब्बीर का नाम आ तो जाएगा ना? देखिए कागज चेक होने के लिए ऊपर जाएंगे, जो भी वहाँ से रिपोर्ट आएगी मैं आपको बता दूंगा, आप 11 नवंबर में आ जाना। कुछ और चाहिए साहब बता दो। अरे बताया तो तुम्हें, कागज चेक होने के लिए जाएंगे, 11 नवंबर को आ जाना, क्यों टाइम खराब कर रहे हो, देख नहीं रहे कितनी लंबी लाइन लग रही है, अभी जाओ यहाँ से। अच्छा हुजूर। अब देख लो सरकार ने एनआरसी के साथ साथ सीएए भी लागू कर दी, और सुना है बहुत जल्दी एनपीआर भी लागू होने वाला। सरकार धीरे धीरे करके हमारे सारे रास्ते बंद कर देगी, पानी सर से ऊपर डाल लिया, अब तो हमें कुछ करना होगा। ठीक कह रहे हो भाईजान, अब तो बहुत मुश्किल हो चुकी है। मुश्किल? अरे तुम्हारे जैसों के लिए मुश्किल ना, तुम तो बांग्लादेशी हो। मुश्किल तो हम जैसों के लिए है जो अपना रुतबा बनाए रखने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं, और अगर तुम लोग चले गए तो हमारा तो मकसद अधूरा रह जाएगा। इसलिए तो कह रहा हूँ जनाब, जल्दी से कुछ ना कुछ कर लो, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली है आपको भी और हमें भी। मेरे पास तो एक ही तरीका, बस शब्बीर और उसके अब्बा दोनों विदेशी न्यायालय में गए हुए अपना काम कराने, मैं उनका काम कतई नहीं हूँ। वहाँ भी क्या कोई सेटिंग कर रखी है आपने? बस यही समझ लो अब इस गांव में आग लगने से कोई नहीं रोक सकता। अरे कुछ हमें भी बता दो, वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। बस यू समझ लो विदेशी न्यायालय में लाखों फाइलें पड़ी हुई हैं, ठीक है, और काम को होने में वक्त भी लगा है थोड़ा सा, और उधर शब्बीर अपने निकाह को लेकर बहुत उतावला हुआ बैठा, बस हमें इसी बात का फायदा उठाना है। रहमान हाजी, तुम शब्बीर पर नजर रखो, और जिस दिन वो वहां से जाए
तुम्हें वहाँ पे होना चाहिए और जैसे मैं कहूँ बस वैसे ही करते रहना। अस्सलाम वालेकुम सब्बीर भाई। वालेकुम सलाम भाई जान, आज इधर कैसे? अरे इधर से गुजर रहा था, तुम दिख गए, सोचा तुमसे पूछता चलूं। क्या हुआ तुम्हारे काम का, हुआ कि ना हुआ? हाँ हुआ काम, धक्के खाते फिर रहे हैं। क्यों, अब तो तुम्हारे कागजात भी मिल गए, फिर क्या दिक्कत आ गई? दिक्कत ही दिक्कत है, अब 15 दिन का टाइम दे दिया, ये कहने लगे 15 दिन बाद आके पूछना। अरे यू सरकार कुछ ना करने की है, यू हम मुसलमानों को इस देश से बाहर निकालना चाह रही है, बस और कुछ ना। किरण भाभी से बात हुई तो वो कह रही मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, काहे क्या वो बड़े बड़े अधिकारी ना जाने हैं ना। सब मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, ये ना करने के कुछ भी, तुम लिख के ले लो आज। फिर क्या करें भाई जान? मेरी बात गांठ बांध लो, तुम्हारा काम बगैर रिश्वत के बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम जब अब की बार वहाँ जाओ ना तो कुछ पैसों का इंतजाम करके जाना, ताकि तुम्हारा काम हाथों हाथ हो जाए, और हाँ तुम्हारा निकाह भी जल्दी हो जाएगा फिर। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, पर जाके देखते हैं अगली बार। देखो तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था, मुझसे अपने भाई का दर्द बिल्कुल नहीं देखा जाता, आखिर एक मुसलमान का दर्द एक मुसलमान ही तो समझ सके। ठीक है भाई जान, आपकी बातों पर विचार करूं। ठीक है भाई, सोच लियो फिर। अरे सब्बीर भाई तू कहाँ जा रहा? अरे खेत पे से आया हूँ, घर जा रहा हूँ। अरे कह रहा है तेरे निकाह का? अरे होता के शादी से पहले सर्टिफिकेट देना पड़ रहा। ले लो मजा, तुमने भी एक दिन लाइन में लगना पड़ेगा। सब्बीर भाई तेरा ये कैसा निकाह हो रहा, निकाह से पहले सर्टिफिकेट भी देना और लाइन में भी लगना? भाई शादी तो हमने बहुत देखी, पर ऐसी शादी हमने नहीं देखी। शादी ना बीरबल की खिचड़ी हो रही जो पकने में ना आ रही। भाई एक बात है, इस सरकार ने कर दिया कमाल, लोगों को शादी करने के लिए भी निकाह करने के लिए भी ऑफिस के धक्के खाने पड़ रहे हैं। सब्बीर भाई भाभी के भी कागज चेक कर लिए, कभी बालक पैदा होने के बाद भी हमें ये साबित करना पड़े ये हमारे है के नहीं है। अरे तुम्हें कुछ काम ना है, मैं तो वैसे ही परेशान हूँ और दिमाग और खराब कर रहे हो, जिस दिन तुम भी सरकार की चपेट में आ गए ना पता चल जाएगी तुम्हें। तू भी कमाल ही करे। कैसे? हमारे साथ भी रहवे और इसके साथ भी रहवे। अरे यू मेरा लंगोटिया यार, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा मैं, पर मैं हूँ सच्चाई की ओर। चल अपने घर को आ। अभी आपकी फाइल का जवाब नहीं आया है, लगभग एक हफ्ता और लगेगा अभी उसमें। हुजूर समय तो कितना ही लग जाए पर इसका नाम आ जाए। देखिए अगर आपके कागज सही हैं तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, नाम आ जाएगा। बात ऐसी है, मुसलमान हैं हम, इसलिए थोड़े परेशान हैं। नहीं तो क्या हुआ, आप मुसलमान हैं? ये बिल्कुल मत सोचो कि आप मुसलमान हो इसलिए इसमें आपका नाम छूट गया। ये नाम गलती से छूट गया है, और एक बार जब ये लिस्ट पूरी हो जाएगी तो इसमें सिर्फ हिंदुओं का ही फायदा नहीं है, सिख जैन मुस्लिम सभी का फायदा है, और लिस्ट बन जाने से हमारे देश का फायदा है। जी हुजूर ये तो दुरुस्त फरमाया आपने। तो फिर एक हफ्ते बाद आ जाना ना आप। ठीक है हुजूर, शुक्रिया। अब चल पागल। सब्बीर भाई रह गए यो? मैं अभी आया, 2 मिनट बात कर रहा हूं। मैंने अंदर सेटिंग कर दी है, मेरी जान पहचान वाला है, मैं बात करके आता हूँ अंदर, फिर तू मिल ली। ठीक है चल। ठीक है। आ जाएं जनाब। जनाब मैं एक बात बता रहा हूँ, ये सब्बीर है इसे मैं जानता हूँ, और ये आपको फंसा देगा, ये मोबाइल रखता है और आपकी सारी रिकॉर्डिंग करता है। अच्छा। और मुझे सब चीज की पता है, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, ये आपको रिश्वत देने आएगा, आप ध्यान रखना। बाकी मेरा जो फर्ज था वो मैंने निभा दिया, बाकी सारा कुछ आपको देखना। ऐसी बात है, मैं देखता हूँ उसे, जाओ तुम अभी जाओ अभी। अरे नरेंद्र सुरेंद्र इधर आओ।
मैंने सेटिंग करा दी है, पैसे देकर थोड़े बहुत काम हो जाएगा। साहब मुझे कुछ काम है आपसे। अरे तुमसे कहा था ना मैंने एक हफ्ते बाद आ जाना। साहब मेरा लिस्ट में नाम कर दो, ये पैसे रख लो। मुझे रिश्वतखोर समझ रखा है तुमने। साहब मुझे बहुत जरूरत है उस एनआरसी लिस्ट में नाम। नरेंद्र साहब, 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 वो मेरा नाम ना, मेरा प्याज का बड़ा है साहब। लेके जाओ साहब मेरा। पुलिस में तो जाके, मुझे रिश्वतखोर समझ रहा है। मुझे इतने फटके लगवाओ कि रिश्वत देनी भूल जाए। चाचा जान, सब्बीर अंदर गया था। अधिकारी ने झूठे रिश्वत के केस में उसे फंसा दिया, गिरफ्तार करा दिया। अरे क्या बकवास कर रहा है इंसान, मैं भी देख रहा हूँ उसे। सुनो सुनो, अभी आप वहाँ मत जाओ, कभी आपको भी झूठे किसी इल्जाम में अंदर करा दे। आप जो है अभी घर चलो और उसकी जमानत का इंतजाम करो। या खुदा, ये क्या दिन देखने पड़ रहे हमें या खुदा। चलो चलो। रहम परवरदिगार रहम। अजमल साहब, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो गया। सब्बीर को तो पुलिस पकड़ के ले गई, वह तो अब लंबा ही गया। अब एक काम करो, इस मौके का फायदा उठाओ। सरकार ने उसके कागज बनाने के बजाय रिश्वत के झूठे केस में उसे जेल में डाल दिया। अगर हम अब भी चुप रहे तो यू काम जो सब्बीर के साथ हुआ ना, यू कल को हमारे साथ भी होगा। चुप रहने से आपका क्या मतलब है? अरे उन लोगों को समझाओ कि हम सब्बीर को कल पुलिस से छुड़ा कर लाएंगे, थाने के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे और पुलिस को मजबूर कर देंगे कि वो सब्बीर को छोड़ दे। इससे हमारा क्या फायदा? अरे विरोध प्रदर्शन की आड़ में हम थाने पर हमला बोल देंगे, ठीक है, और थाने में लगा देंगे आग, और लोगों को ये समझाएंगे कि एक तो हम निर्दोषों पर जबरदस्ती जुल्म ढाया जा रहा, उन्हें थाने में बंद करा जा रहा है, ऊपर से जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं उन पे भी जो है जुल्म ढाए जा रहे हैं, बाकी का काम मीडिया कर देगी। मैंने कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस काम में लगाए हुए हैं जो इस बात को ज्यादा से ज्यादा फैला सकें, और इस सरकार को मजबूर होना पड़ जाएगा कि वो एनआरसी लागू ना कर सकें, और अगर किया भी तो एनआरसी में हमें कुछ रियायत मिल जाएगी। सही कह रहे हो अजमल साहब, अब हमें इस मामले को ज्यादा से ज्यादा फैलाना होगा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा भड़काना होगा। तुम आज से इस काम में लग जाओ सब लोग, ठीक है ना, और सब अपने काम को ठीक से अंजाम दो। पैसे देने की कोई दिक्कत ही नहीं है, पड़ोसी देशों से बहुत आ रहा अपने पास। ठीक है जाओ, लग जाओ। चलो। अच्छा जी। अरे पागल है कि झड्डा हो रहा है, कमाल कर रही है यार। अरे इतनी ठंड तो ना हो रही। खूब हो रही है विकास भाई। अरे भाई आ जाओ, के बात होगी? बात हो गई, गांव में आफत आई पड़ी। अरे की आफत आई पड़ी? अरे यू अजमल गांव का नाश करेगा, मैं इसे फोड़ दूंगा, ठाक ठाक के पटकूंगा, ठाक ठाक के पटक दूंगा इसे मैं। अरे विकास भाई, अजमल जो है ना सब्बीर को लेकर पूरे गांव को भड़का रहा। पर ऐसा हो क्या गया? सब्बीर वहाँ गया था, उसे पुलिस ने रिश्वत देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। अरे वो तो कहीं विदेशी न्यायालय पहले में जाना था, पुलिस में कहाँ पहुँच गया? अरे गया तो वही था, वहाँ उसका काम नहीं हुआ, उसने रिश्वत देने की कोशिश करी, वहाँ के ऑफिसर ने उसे पुलिस को पकड़वा दिया। नहीं भाई मेरी समझ में तो आ नहीं रही, क्योंकि मैं सब्बीर को अच्छी ढाल जानू और तुम भी जानो, रिश्वत तो दे नहीं सकता भाई। और सब्बीर भाई रिश्वत क्यों देंगे, उनके पास सारे जरूरी कागज हैं। ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अजमल और उसके आदमी इस बात को लेकर गांव वालों को भड़का रहे हैं। अरे कल यार थाने प्रदर्शन करने जा रहा, उसके आदमी लोगों को लाठी डंडे बांट रहे और मट्टी का तेल बांट रहे। अच्छा तो ये अजमल विरोध प्रदर्शन की आड़ में देश को जलाना चाहता है, ताकि ये मामला और फैल जाए और लोग भड़क जाए। यू अजमल ही पिटता दिखे, यू ज्यादा बन गया, यू ही आतंकवादी हो गया ससुरा, मैं इसे मारूंगा कहीं मिल गया तो। नहीं नहीं, आप कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे, आप बस उस पे नजर रखिए। आप एक काम करिए, वो जो भी काम कर रहा है ना, आप उसका वीडियो बना लीजिए। मैं तब तक उस अधिकारी से जाके मिलती हूँ जिसने सब्बीर भाई को रिश्वत के मामले में गिरफ्तार कर रहा है। चल ठीक है, तू वहाँ चली जा और मैं कुछ गांव के लोगों से मिलके और बात करते हैं के हो सके, और तुम उसके आदमियों पे निगाह रखो। मैं सबसे पहले सब्बीर भाई के घर जाऊंगी, पहले ये तो पता करूं कि ये मामला है क्या। ठीक है मैं चलती हूं। चल ठीक है तू जा। चलो भाई हम भी देखें। चलो भाई चलो।
एक ही छोरा है, उसके भी कुछ हो गया तो मारा के होगा। एक ही सहारा है हमारा छोरा हमारे लिए। चाची जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? खुदा कसम इस एनआरसी ने हमारी जिंदगी मोहाल बना कर रख दी है। ये हुकूमत कैसे कैसे फैसले ले रही है? चाचा जी इसमें सरकार की गलती क्या है? और शब्बीर भाई ने रिश्वत क्यों दी ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, और उन्होंने रिश्वत दे के बहुत बड़ी गलती कर दी। इसमें हमारी गलती क्या है? हम भी सरजमी हिंदुस्तान के वासिंदे हैं, हम यहाँ बाई चांस नहीं रुके हैं, बाई चॉइस रुके हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम सब भारत के नागरिक हैं, लेकिन जब काम होता है तो उसमें कमियां भी जरूर होती, और शब्बीर भाई भी इसी देश के रहने वाले हैं, यहीं के नागरिक हैं। तो चाचा जी ये नाम गलती से छूट गया है। पर गलती से मुसलमानों के नाम ही क्यों छूट रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप इसे धर्म से बिल्कुल भी ना जोड़ें। जिस तरह से मुसलमानों के नाम नहीं आए हैं ना, उसी तरह से कई और धर्म जाति के नाम इस लिस्ट में नहीं आए हैं, और वो सब भी भारत के नागरिक हैं, और बहुत जल्द उनके नाम लिस्ट में आ जाएंगे। हमें कई चढ़ते दिखाई न दे रहे, पहले जिलाधिकारी के यहाँ भी न चढ़े, और अब देख ले विदेशी न्यायालय में भी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उधर देख ले शब्बीर भाई को गिरफ्तार कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अगर आप दोनों जगह देखेंगे ना तो गलती आप ही लोगों। इसमें हमारी क्या गलती है? जिला न्यायालय में कागज बनाने में आप लोगों ने देरी की, जिससे कि शब्बीर भाई का नाम नहीं आ पाया, और विदेशी न्यायालय में आप लोगों ने रिश्वत दे दी। वो बहुत बड़ा जुर्म है, उसे कानूनी जुर्म कहते हैं। इन सब बातों को छोड़ो, अब एक बात बताओ, शब्बीर बाहर कैसे आवे? चाचा जी जो शब्बीर भाई ने रिश्वत दी है ना, उससे बहुत ही ज्यादा शक पैदा हो गया। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही विदेशी न्यायालय में बात करती हूँ। ठीक है। बहू कुछ पता चली शब्बीर कैसे पकड़ा गया? ना माजी, शब्बीर भाई के अब्बा को ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि जब शब्बीर भाई को गिरफ्तार किया गया ना तो वो ऑफिस के बाहर ही थे। ओहो, यूं भी जुद्दी हो गया। भाई मुझे गांव का माहौल ठीक नहीं लग रहा, कुछ भी हो सके। अब ये मुद्दा एनआरसी का ना रहा, मुझे तो हिंदू मुसलमान का होता नजर आ रहा है। मैं पहले ही कह रहा था यू अजमल गांव का नाश करवा के मानने का, इसे ठीक कर दूं सब ठीक हो जाएगा। भैया देखो, तुम तो इस मामले से बिल्कुल ही दूर रहो। अजमल और उनके साथियों ने जिनका नाम एनआरसी में नहीं है और जो बाहर से आए और अपनी बिरादरी के सभी लोगों को मिला दिया है। अजमल जैसे लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। पिताजी इसी से तो गांव का माहौल बिगड़ रहा है, और जो सरकार अच्छा काम करना चाह रही है ना, ये लोग उसके काम में रोड़ा अटकाना चाहते हैं। हमें बहुत ही समझदारी से काम करना होगा। अरे सब ना है, ये कुछ लोग हैं जो लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। अरे तू चुप रह, जाके पुलिस में रिपोर्ट कर, पुलिस अपना आप देखेगी, बेमतलब के चक्कर में पड़ रहा। माँ जी अब ये मामला पुलिस का नहीं रहा, हमें सबूतों के साथ लोगों को बताना होगा, तब जाके बात बनेगी। बहू बिल्कुल सही कह रही है। और सुन, तू अकेली अब कहीं मत जाइए, मैं चलूंगा तेरी गैल। इन लोगों का कुछ पता नहीं है कब के बात हो जावे, समझ गई ना? पहले ऐसा हो भी चुका है एक बार। आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे गांव के हालात ठीक नहीं लग रहे हैं, आप गांव में ही रहो। अरे वो तो ठीक है, गांव में रहेंगे, इन लोगों पे ध्यान भी रखना पड़ेगा, ये कुछ गड़बड़ ना करें, ये तो देखना ही पड़ेगा। हाँ सही कह रहे हो, पर फिर भी अपना ध्यान रखना दोनों जने, ठीक है ना? गई है, देख लेता तू भी चला जाता, कहाँ गई है वो? अरे मैं कहाँ कहाँ जाता फिरूंगा, मेरे बस की ना।
ले फोन आ गया। कर ले बात। हाँ हेलो। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा मैंने सुना है अजमल लोगों को भड़का के शब्बीर को जबरदस्ती थाने से छुड़ाना चाहे। अरे वो हिंदू और मुसलमानों को जो है भड़काने का काम कर रहा है। अरे ऐसा ना हो कि वो उस काम में सफल हो जाए और वो करके रहेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा। अरे उसे रोक क्या ना गया तो हिंदू मुस्लिम के झगड़े हो जाएंगे और उसकी लगाई आग में ही सारा गाँव जल जाएगा। अगर उन्होंने थाने पे हमला कर दिया ना तो हमारे गाँव की बदनामी हो जाएगी, हो सकता है कहीं कर्फ्यू न लग जाए। अरे तुम जल्दी करो, अभी तो उन लोगों को लेकर घर से निकल ही रहा होगा। ऐसे जाना तो बहुत खतरनाक होगा क्योंकि उनके हाथों में लाठी डंडे पेट्रोल सब कुछ है। अगर ऐसे ही रहा ना तो एक दिन देख लेना सारे गांव पर कब्जा करके बैठ जाएंगे, इसलिए वो लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं। अगर वो लोग इकट्ठा हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। चलो हम भी तैयार होके चलते हैं, उन्हें रोकेंगे जरूर। अरे भाइयों लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, पहले उन्हें समझा के तो देख लो। अरे वे डंडे के यार है ऐसा ना मानेंगे। अरे तुम देर मत करो, मेरे हाथों में खुजली हो रही है, 30-40 पे हाथ में छोड़ूंगा, सबको पीट दूंगा मैं अकेला। चलो 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 देखेंगे उन्हें सालों को। चलो देख लिया आप सबने कैसे सरकार ने किसी रिश्वत के झूठे केस में फंसा कर शब्बीर भाई को जेल में डाल दिया। इसी तरह चलता रहा ना तो एक एक करके हम सब भी जेल में जाएंगे। ये सरकार नहीं चाहती कि हम भी इस देश में रहे, वो चाहती है कि हम इस देश से बाहर चले जाएं। खान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब भी हम सब इकट्ठे ना हुए ना तो सरकार के जुल्म हम पर इसी तरह बढ़ते रहेंगे। हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम सब आपके साथ हैं, आप जैसा कहोगे हम वैसे ही करेंगे। तो चलो शब्बीर को छुड़ा कर लाते हैं। इस काम की शुरुआत हम शब्बीर से ही करेंगे क्योंकि हम सभी जानते हैं कि शब्बीर बेगुनाह है। अपने सब लाठी डंडे उठा लो और तैयारी कर लो, हमें पुलिस पर बिल्कुल यकीन नहीं है क्योंकि पुलिस वो करेगी जो सरकार में ऊपर बैठे हुए लोग उससे कहेंगे। क्या बेफिजूल की बात कर रहा है अजमल, ये कानून की लड़ाई है, कानून के तौर तरीके से ही हम सब भी इसको छुड़ाएंगे, इस तरह से तो मामला और उलझ जाएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था ये सरकार हमारी बिल्कुल भी सुनने वाली नहीं है, ये रोज नए नए ऐसे कानून लाकर हमें देश से बाहर निकालना चाहती है और जब भी सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो अजमल खान क्या हुकूमत के साथ अब बगावत का इरादा है? हम बगावत करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये सरकार हमें इस देश का नागरिक नहीं मानती, ये हमें झुकाना चाहती है, हमें हमारे दीन से दूर करना चाहती है, लेकिन हम भी दिखा देंगे हम इस सरकार के आगे नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे। अजमल खान होश में आ जा, क्या कर रहा है तू? पुलिस छानबीन कर रही है, हमें यकीन है शब्बीर छूट कर आ जाएगा। जा, वो ऐसे नहीं छूटने का क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पुलिस भी उनकी है, सरकार भी उनकी है। तुम चलो मेरे साथ। चलो 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 चलो, हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं रुक जाओ रुक जाओ, या परवरदिगार रहम रहम। रहमान अरे रुको रुको भाई, रुको रुको रुको। अजमल कहाँ जा रहे हो भाई? हम सब वीर को छुड़ाने के लिए जा रहे हैं, लाठी डंडे और पेट्रोल लेके। अरे इनकी जरूरत क्या है? हमने आज फैसला कर लिया है कि पुलिस ने अगर शब्बीर भाई को नहीं छोड़ा तो इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए हम शब्बीर को छुड़ा कर लेंगे। हमने भी तय कर लिया है कि एक कदम भी आगे हम नहीं जाने देंगे। तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो। अरे ठीक तो तुम नहीं कर रहे, कानून अपने हाथ में ले रहे, ये कौन सा बढ़िया काम है? जब कानून खुद ही जुर्म करने लगे तो हमारे पास भी इसके अलावा दूसरा रास्ता कोई नहीं है। सरताज भाई ऐसा करना ठीक नहीं है, अरे गांव की बदनामी होगी और हो सकता है क्या पुलिस कानूनी कार्रवाई करे, देखो सबको परेशानी होगी।
खुदा कसम चौधरी साहब, 5 वक्त का नमाजी हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। मिन्नते कर चुका इनके सामने, मान जाओ, रुक जाओ, समझ जाओ, कोई मानने के लिए तैयार भी हो कमबख्त। बहुत सुन लिया और बहुत सह लिया, अब हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। रास्ते तो बहुत है, पर तुम लोग मानने के लिए तैयार नहीं हो। ना हम मानने वाले और ना हम रुकने वाले। तुम यहाँ से आगे जाके तो दिखाओ। तुम बात को आगे बढ़ा रहे हो, ये हमारी बिरादरी का मामला है, तुम इसमें बिल्कुल दखल मत दो। तुमने ही हमें मजबूर करा, मैं अकेले ही तुम्हें सारे को ठोक दूंगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, तुम लोग हमारे रास्ते में मत आओ, नहीं तो के जो तुम्हें करना हो कर लो। तुम हमें मजबूर कर रहे हो, चलो आगे बढ़ो। हमारे रुक जाइए, मैं कहती हूँ सभी लोग रुक जाइए, रुक जाइए। रुको, रुको। आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? एक ही गांव के हो करके आपस में एक दूसरे को मरने और मारने पर उतर आए? शुरुआत इन्होंने की है, हम तो शब्बीर को छुड़ाने जा रहे थे। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग शब्बीर भाई को छुड़ाने के लिए जा रहे थे, पर आप लोगों का तरीका बिल्कुल गलत है। क्योंकि सरकार का ये तरीका सही है, जो हम इस देश से बाहर निकाला जा रहा है। क्या हम इस देश के बासिंदे नहीं है? हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है फिर? किसी को भी टारगेट नहीं किया जा रहा है, आप लोगों के दिमाग में फालतू का फितूर भरा जा रहा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां आप लोगों का इस्तेमाल कर रही हैं, आप लोगों को बहका रही हैं। अच्छा, हमें बहका रहे हैं? तो ये NRC क्या है? NRC का मतलब है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें भारत में रहने वाले उन सभी नागरिकों का नाम है, उनका रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। NRC की शुरुआत सन 2013 में असम से की गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में की गई थी, और अभी तक NRC को कहीं भी किसी भी और राज्य में लागू नहीं किया गया है। और इसमें उन भारतीयों के नाम हैं जो असम के वास्तविक नागरिक हैं, या फिर जो असम में बांग्लादेश बनने से पहले, यानी कि 25 मार्च 1971 से पहले जो असम में आ गए थे, उन्हीं को भारत का नागरिक माना जाएगा। तो इसे पूरे देश में लागू करने की क्यों बात की जा रही है? वो सब इसीलिए क्योंकि कुछ बांग्लादेशी, कुछ घुसपैठिए भारत के अलग अलग शहरों में जाके रहने लगे, और वहाँ पे रह के वो लोग अपराध करने लगे। पहले वो एक शहर में अपराध करते हैं, उसके बाद वो अपराध करने के लिए दूसरे शहर में चले जाते हैं। उनका ना तो कोई निश्चित ठिकाना है, ना कोई निश्चित स्थान है, इसीलिए भारत सरकार ने उनको पकड़ने के लिए, ताकि उनको उनके देश वापस भेजा जा सके, उनके शहर वापस भेजा जा सके, पूरे भारत देश में NRC को लागू करने की बात कही है। लेकिन ये सिर्फ अभी एक बात ही है, ना ही इसमें कोई नियम बनाया गया है और ना ही कोई कानून बनाया है। ये झूठ है, ये सरकार मुसलमानों को पसंद नहीं करती, ये मुसलमानों को इस देश से निकालने के लिए रोज नए नए कानून ला रही है। अभी सरकार ने एक नया कानून CAA पास किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि NRC के जरिए जो भी अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाया, सरकार उसे इस देश से बाहर निकाल देगी, और केवल मुसलमान ही है जिनको ये नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गलत बात है, ये एक झूठ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कानून नागरिकता देने के लिए बनाया जा रहा है, नागरिकता छीनने के लिए नहीं। और इसकी 3 अहम बातें हैं जो वो मैं आपको बताऊंगी। नंबर 1, हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं, वहाँ पर रहने वाले सभी अल्पसंख्यक लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए अगर आप सबको या वहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है, तो कम से कम उनको 6 वर्ष भारत में बिताने होंगे। इससे पहले ये समय काल 11 वर्ष का था, सिर्फ समय काल में परिवर्तन किया गया है, 11 वर्ष को घटा के 6 वर्ष कर दिया गया है। नंबर 2, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वहाँ पे रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध धर्म के लोग, जो 31 दिसंबर 2014 के निर्णायक तारीख तक भारत में प्रवेश कर गए थे, वो लोग भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नंबर 3, OCI कार्ड धारक अगर इस कानून का विरोध करते हैं, तो केंद्र को पूरा अधिकार है उनके इस कार्ड को रद्द करने का। मैं आपको बता दूं, OCI कार्ड क्या है। OCI कार्ड जो भारतीय नागरिक स्थायी रूप से अमेरिका या किसी भी विदेशी कंट्री में रह रहे हैं, उनको जो कार्ड दिया जाता है वो OCI कार्ड कहलाता है। इसीलिए मैं आप सबसे कह रही हूँ, ये कानून सिर्फ और सिर्फ नागरिकता देने के लिए बनाया गया है, नागरिकता छीनने के लिए नहीं। अगर ऐसी ही बात है तो इसमें मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं किया गया? क्या ये हमारे साथ भेदभाव नहीं है? भारत का संविधान किसी भी सरकार को धर्म के आधार पर भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान सिर्फ धर्म के आधार पर ही नहीं, बल्कि गरीब लोग, जाति पाति, किसी भी आधार पर भेदभाव करने की इजाजत नहीं देता है। पर हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़ा वर्ग है, जो कमजोर लोग हैं, यही संविधान उसके लिए बहुत सारी गुंजाइशें भी पैदा करता है।
हमारे देश में, हमारे भारतीय संविधान में औरतों के लिए कई सारे कानून बनाए गए हैं, अल्पसंख्यकों के लिए कई सारे कानून बनाए गए हैं। हमारे ही देश में धर्म के नाम पर अलग अलग धर्मों के आधार पर भी सरकार ने अलग अलग कानून बनाए हुए हैं। क्या हमारा संविधान हमें जाति के आधार पर आरक्षण नहीं देता? सूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग सबको आरक्षण मिलता है, और गरीब लोग उनको भी आरक्षण इसी सरकार ने देना शुरू किया है। तो क्या आप आरक्षण से पीछे हट जाएंगे? क्या आप सभी लोग आरक्षण से इनकार कर देंगे? मुझे अफसोस होता है उन लोगों पर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, जो बड़े बड़े राजनेता हैं, जिनको CAA की कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कही हुई बातों का विरोध कर रहे हैं। 90% लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल CAA के बारे में नहीं जानते हैं, और वो CAA कानून क्या है उनको आज तक पता ही नहीं है। जो बड़े बड़े नेता इसका विरोध कर रहे हैं, क्या उन्हें पता नहीं है कि सरकार इस देश में NPR भी लागू करने वाली है? और हमारे नेताओं ने हमें बताया है कि NPR ही NRC का दूसरा नाम है, और सरकार NPR के जरिए पहले जानकारी इकट्ठा करेगी, फिर NRC के जरिए हमें इस देश से बाहर निकाल देगी। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं, NPR एक प्रक्रिया है जो कि पिछली सरकार ने लागू की थी। NPR का मतलब है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें भारत में रहने वाले सभी नागरिकों का ब्योरा होगा, चाहे वो भारत के नागरिक हो या फिर वो भारत के नागरिक ना हो। साल 2010 में इसको लागू किया गया था, 2015 में NPR को अपडेट किया गया। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि पिछली सरकार जिसने NPR को लागू किया था आज वही इसके विरोध में खड़ी है, और हम लोग क्यों उनकी बातों में आ रहे हैं? क्या हमें इतना समझदार नहीं होना चाहिए कि जो लोग अपने फायदे के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, हम क्यों उनको मौका दे रहे हैं कि वो हमारा इस्तेमाल करें? हम लोगों को बहकाया जा रहा है, हम लोगों को भड़काया जा रहा है, और कुछ नहीं। बहका तो आप हमें रही है, ये सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। क्या आप लोगों ने देखा नहीं कैसे शब्बीर भाई को रिश्वत के झूठे केस में फंसा कर सरकार ने जेल में डाल दिया? ये सरकार हमें डराना चाहती है, धमकाना चाहती है, और इस देश से बाहर निकालना चाहती है। इसका फैसला भी अभी हो जाएगा। शब्बीर भाई को जिसने भी रिश्वत के झूठे मामले में फंसाया था, मैंने DM साहब से मिलके शब्बीर की जमानत करके मैं शब्बीर को अपने साथ लेके आई हूँ, और मेरे साथ वो अधिकारी भी मौजूद हैं जिन्होंने शब्बीर भाई को अरेस्ट कराया था। वो आपको कुछ बताएंगे। ये बात सही है कि मैंने शब्बीर को गिरफ्तार कराया था। शब्बीर ने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की थी, इसके कई चश्मदीद गवाह भी हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा करने के लिए मुझे किसी ने गलत जानकारी दी थी। उस आदमी ने मुझसे कहा कि शब्बीर मुझे रिश्वत देनी चाहता है, और उस आदमी ने ही शब्बीर से कहा कि मैं शब्बीर से रिश्वत लेनी चाहता हूँ। किसी ने जान पूछ कर ये साजिश रची थी कि शब्बीर को जेल भेजा जा सके। ऐसा कौन कर सकता है जनाब? यू तो यू बताओगा शब्बीर को किसने फंसाया? आ भाई आप बता के बात थी। मुझे ऐसा अजमल के कहने पर करना पड़ा। अजमल लोगों को भड़काना चाहता था और आग लगवानी चाहता था, ताकि लोग ये समझे कि सरकार ने जो NRC लागू किया है उसमें खासकर मुसलमानों को देश से बाहर निकालना चाहती है। और मैं एक बांग्लादेशी मुसलमान हूँ, मेरा पूरा परिवार बांग्लादेशी है, इसलिए मैंने अजमल का साथ दिया, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता। ये सब झूठ है, यू रहमान ना इन लोगों के साथ मिलकर मुझे फंसाना चाहता है। अच्छा, अब यू मारी गया जो दिन रात तेरी गैल रहे था, इसने तेरी कुछ वीडियो बना रखी है चुपचाप, जो टाइम आने पे तुझे ब्लैकमेल कर सके, समझ गया ना? ये झूठ है चचा, चचा जान मुझे फंसाया जा रहा है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो हमें आपस में लड़वा रहे हैं, जो अपने मतलब के लिए हम लोगों के बीच में फूट डलवा रहे हैं, जो अपने फायदे के लिए यहाँ पर झगड़ा करवा रहे हैं। हमें आज और अभी ये प्रण लेना होगा कि हम बिना तथ्यों को जाने, अधूरी जानकारी के आधार पर आज के बाद कोई काम नहीं करेंगे, और हम सब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। तो आइए अब हम सब लोग मिलके एक बार हाथ खड़ा करेंगे और बोलेंगे